तो बेसबॉल खेलते हो, तुम तो बाबर को हरा के आए हो, तुम तो 3-0 करके आए हो वर्ल्ड क्लास को। साबित क्या होता है? साबित ये होता है कि भाई इट्स ऑल अबाउट इंटेंट। ये बेसबॉल बेसबॉल कुछ नहीं है। 267 रन से पहला मैच जीत गए तो जीत गए। ये बेसबॉल बेसबॉल कुछ नहीं है, बात है इंटेंट की। जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान में कदम रखा, पहली बॉल गिरी, तो इनको समझ आ गया कि ये लोग खेलते ही ड्रॉ के लिए, कि यार हम भी रन बनाएंगे, तुम भी रन बनाना। क्या कमाल का यार, मतलब विलियमसन अगर विकेट पे सोया तो फिर बिलंडल तेज खेला है, मिचल तेज खेला है, कॉनवे तेज खेला है। उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। विलियमसन को गैरत आई कि यार तूने मुझे फॉलो ऑन करा के दोबारा खिला दिया। अब एक रन से मैच जीता है भाई, मुझे तो पीएसएल में भी कोई इतना क्लोज मैच होते हुए नहीं नजर आ रहा। यार मेरे ख्याल में इस साल नए साल का पहला कोई मैच है ये। जी ठीक है। और न्यूजीलैंड ने अच्छा कमबैक किया बस, ठीक है। उन्होंने पहला टेस्ट मैच हारने के बाद इनिंग डिफीट हुई थी, इसमें भी इनिंग डिफीट का था और लोगों ने लिख दिया था, यानी कि जो मामू है वहां के, रूहानी मामू हमारे और इंग्लैंड की बेवा, इन लोगों ने तो लिख दिया था कि न्यूजीलैंड फारिग हो गई है, मतलब 400 और स्टीव वॉ से लड़ रहा था, इंग्लैंड बेस्ट टीम ऑन द प्लेनेट। क्रिकेट का गेम ही है ये भाई, फारिग है। क्रिकेट के गेम ही ऐसे ही है। पहली इनिंग में फॉलो ऑन के बाद जिस तरह से न्यूजीलैंड ने अपने आप को रीग्रुप किया, फिर विलियमसन, टॉम ब्लंडर, नीचे आपके टीम साउदी जो हैरी ब्रुक के बाप है एक तरह के, उन्होंने भाई 8वें नंबर पे यार क्या बैटिंग की, 40 बॉलों में 65 रन। अब बताया वाह, वो फर्स्ट तो वो भी कहीं ना कहीं है इनमें पहली इनिंग वाले। यही कह रहा हूँ ना कि ऐसा नहीं है कि जवाब देने के लिए कोई खड़ा हुआ नहीं है। अफसोस इस बात का होता है कि यार जब आपको इंटेंट नजर आ गई कि अगले आपकी माँ बहन एक करने आए हैं, आपको नंगा करके मारने आए हैं, आपके चूतड़ों पे दुर्रे मारेंगे पकड़ पकड़ के, आप पे लानत भेजेंगे, आपकी माँ आपकी मैया वीरान कर देंगे, क्रिकेट खत्म कर देंगे और आप हम मुस्कुरा रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, आप मुस्कुराए नहीं आप, और आप उस पर ये बोल लेंगे हमें फर्क नहीं पड़ता हम किसी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी नहीं है, लेकिन यार बेसबॉल खेल लिया इंग्लैंड, ऐसा वो बोल लेंगे भाई हम बेसबॉल खेलते हैं। बेसबॉल मतलब यार मार धाड़ करके खेलते हैं, बहुत तेजी से टेस्ट मैच में रन स्कोर करते हैं, लेकिन आज औकात बताई न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने एक रन से हराया यार, लेकिन एक रन से हराने के पीछे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। पहले ऑस्ट्रेलिया सॉरी पहले इंग्लैंड ने यार अच्छे खासे रन 400 प्लस बना के और न्यूजीलैंड को बहुत जल्दी 150 के आसपास समेट दिया। इसके बाद गेम शुरू हुआ, फॉलो ऑन दिया, लेकिन भाई फॉलो ऑन में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की तरह अपने रन स्कोर करने का नहीं देखा। उन्होंने 448 रन के आसपास बनाए रन और न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को भी 250 के आसपास का टारगेट सेट कर दिया, और इसके बाद एक रन कम पे ही न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया। तो ऑल ऑफ द सडन जो ये टेस्ट मैच था, ये वैसे तो इंग्लैंड के फेवर में था, लेकिन जबरदस्त वापसी करके न्यूजीलैंड ने इस मैच को जीत लिया एक रन से, और बहुत ही मेमोरेबल विन में से है ये टेस्ट मैच की। लेकिन यार इससे पहले बेसबॉल खेलने आई थी इंग्लैंड इंडिया, तो इंडिया वालों ने तो कुत्तों की तरह धोया 4-3-1 से। इसके लिए अपनी क्रिकेट नहीं बदल सकते, अबे हम नंगा करके मारेंगे ये बताया है विलियमसन ने, अबे हम कपड़े भी नहीं छोड़ेंगे अब तुम्हारे बदन के ऊपर तार तार कर देंगे ये बताया उसने। वेगनर ने जब बॉलिंग करी तो चलिए गधा गाड़ी उसकी, और उस गधा गाड़ी ने ऐसी की तैसी कर दी उनके सारे खोते जो है ना साइडलाइन। एक बार सरफराज इलेवन को भी यूएई में दफनाया था इन्होंने ऐसे ही 170-170 रन पे। यहाँ पर आपको अपनी पॉजिटिव ये होती है पॉजिटिव, मैं हमेशा से कहता हूँ ना कि ये बोलते हैं हम पॉजिटिव खेलेंगे, मैं तुम्हारी लानत है तुम्हारी शक्लों के ऊपर, तुम जब पॉजिटिव बोलते हो तुम्हारे मुंह से ही अच्छा ही नहीं लगता पॉजिटिव, क्योंकि तुम्हारी पैदाइश ही पॉजिटिव नहीं है। होती जिनकी होती है, जो नर के बच्चा है ये, न्यूजीलैंड नर का बच्चा है ये, इसने बदला लिया माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, सबका बदला ले लिया। जो बेइज्जती इन्होंने करी थी ऑकलैंड या वेलिंगटन में, ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने, मौका ही नहीं दिया उन्होंने यहाँ पर। आप कमाल देखें कि 186 रन ब्रूक के थे, 153 रन जो रूट के थे पहली इनिंग में, उसके बाद भी मैन ऑफ द मैच कौन होता है 132 रन वाला कप्तान केन विलियमसन, उसके लिए जिता दिया ना। अबे सेकंड इनिंग खेल रहा है, तीसरा दिन खेल रहा है, पिच पे 132 हो गया जी।
ये होता है खिलाड़ी जो सेकंड लास्ट डे मुश्किल वक्त में बैटिंग। मैं यही कह रहा हूँ कि जो मुश्किल वक्त आया, यानी कि विकेट पे जब खड़ा होना मुश्किल हो गया, यानी कि बॉल अगर पिच पे कोई बच्चा जाके भी छोड़ दे 6 महीने का तो टर्न हो जाए बॉल, इतनी खतरनाक हो चुकी होती। अरे जिस जगह जैक लीच ने 5 आउट कर दिया, जिसे ऋषभ पंत निकल निकल के 6-7 छक्के मार गया था स्पिनिंग विकेट पे, जैक लीच जहाँ 5 आउट कर रहा, सोचो बॉल कर क्या रहा होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई न्यूजीलैंड ने एक मरतबा फिर बताया कि टेस्ट क्रिकेट किसी की मीराज दे, कोई ये ना समझे कि हमने आज बदल दिए, हमने इसका नाम रख दिया, हमने तेज कर दी, हम अपनी मर्जी से यूं कर देंगे। नहीं, उसने बोला नहीं भाई, 483 रन देकर जो इन्होंने काम किया है चौथे दिन, ये बने मोस्टली तीसरे और चौथे दिन। डिक्लेरेशन बैन की पहली इनिंग की, इतने चौड़े थे इनको लग रहा था कि सब कुछ तेल हो गया। अच्छा कुछ अहमक ये सोचेंगे कि यार जीता न्यूजीलैंड है, ये लोग जोड़ पाकिस्तान से रहे, तकलीफ हो रही है। ये ना कवर ड्राइव की इस मैच में बात आई है, ना कोई किसी का कंपैरिजन कर रहा है, ना कुदरत का निजाम, ना धूप और छांव, सीधा मैच की बात पे। ये ऐसा मैच है, इसमें सिर्फ क्रिकेट डिस्कस हो रही है। आप समझे नहीं, आप इंग्लैंड आया था यहाँ पर जी, आने से पहले इन्होंने ड्रामेबाजियां, आते ही छक्कों की प्रैक्टिस, बोले फाड़ रहे पकड़ के, पता था डरपोक है, ये कहना चाह रहे हैं ना। अब बेन स्टोक्स के पीछे लाइन लगी हुई है, लोग पूछ रहे हैं ये तेरे पीछे क्यों लोग खड़े हैं, उसने बोला छक्कों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा भाई, उसका जवाब पहले टेस्ट के बाद जवाब दे दिया कि भाई आप हमारे बड़े थे। ये तो लांती यही कहते रहे कि हम क्रिकेट नहीं बदल सकते, हम अपना अंदाज नहीं छोड़ेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता, ऐसी की तैसी कर दी। उसने आखिर तक ठोक के गए इनको, बेइज्जत करके गए, मुंह पे थूक के गए इनके, व्हाइट वॉश करके गए इनको, और उसके बाद इनको ढकारे भी नहीं आ रही है, शर्मिंदगी भी नहीं हो रही। मुझे तो ये भाई यार शर्मिंदगी पाकिस्तान क्रिकेट लवर होने की हैसियत से, फिर भाई मैं तो मान रहा हूँ, मैं तो एडमिट करने वाला हूँ, मेरी टीम इनसे बनती नहीं थी हारना, रिकॉर्ड पे पड़ा, मैं तप रहा था कि मैं बैच नहीं कर रहा हूँ, ये इंग्लैंड बहुत तगड़ी टीम नहीं है, ये सिर्फ आपको पड़ चुकी है कि आप डरे हुए सहमे हुए लोग हो। ये है असल में साजिश है ना, कमजोरी कहाँ होती है ना, साजिश होती है। और फिर दूसरा ये कि बजाय है कि हैरी ब्रुक का जवाब होता है इनके पास, हैरी ब्रुक की तारीफ कर रहे हैं, लाहौर के अंदर में खेलता है ये, ये हमने सिखाया है इसको, बल्ला नहीं पकड़ना आता था, अपने अपना बल्ला पकड़ा है, उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी हैरी ब्रुक की टीम साउथी ने। अबे तू क्या मारेगा जो मैं मारूंगा, कैसा मारूंगा। साउथी को गुस्सा था कि जो रूटों से रिवर्स मारा, वो कह रहा है यार जो रूट मार रहा है इतनी उम्र में तो मेरा भी फर्ज है मारना, उसकी कमजोरी क्या, भाग नहीं सकता। हमने न्यूजीलैंड से जब आप इंग्लैंड से खेल रहे थे, इसकी रनिंग बिटवीन द विकेट सबसे खराब है, वहीं खेल रही है न्यूजीलैंड ने, यही कमजोरी है। 149 के स्ट्राइक रेट से जो 209 में 73 बनाए वो जीत है जो साउथी के 73 पहली इनिंग के रन है। बताइए मुझे यार आप कैसे खेल गए हो, मतलब न्यूजीलैंड को खा गए ये दबाव में, बॉलिंग अच्छी से नहीं दबाव से के फॉलो ऑन है, आओ बेटा खेलो, न्यूजीलैंड 400 कुछ रन है। मैं यही कह रहा हूँ कि वो उस पहली इनिंग की जरा शीट चेक कर ले आप जाके, आपको सबसे नीचे नजर आ जाएगा साउथी, जिसने बताया कि मैं अकेला ही तेरी बजा दूंगा पकड़ के। 209 में से 73 साउथी के रन है मुश्किल में, जब अपोजिशन ने 435 दिखाए, इधर तो 300 दिखा दो तो आप देख लेते हैं। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि हम पॉजिटिव खेलेंगे, अबे खेल गए, वो बोल नहीं रहा, वो पेल नहीं रहा, ना उनका कोच आके कह रहा है कुदरत का निजाम, ना वो ये कह रहे मकलम तो हमारे बड़े, हम इनसे कैसे जीतेंगे, साबिक कप्तान है। विलियमसन ने मकलम को जवाब ऐसे दिया है कि बेटा तू हमारा ही था, ये जो तूने वहां जाके सस्ती शोहरत हासिल की हुई है ना बेसबॉल, इसको आज दफना दूंगा वेलिंगटन। किधर है मेरे घंटे के बगैरत फैन, निकलो ना, पूछो इस घंटे का गिरेबान फाड़ के चड्डी उतार के पूछो, अबे तू हारा कैसे। अच्छा कुछ क्रिकेट लवर्स कमाल होते हैं, फिर भाई वो कल छुप रहे होंगे, परसों तक छुप रहे थे ब्रूक के पीछे। 4 मैच की सीरीज में 3-1 से घर में मारा और कुत्तों की तरह। इसके बाद फिर ये भाई पाकिस्तान भी आए थे और पाकिस्तान में इनका बेसबॉल हो गया सक्सेस इन द सेंस की यार इन्होंने पाकिस्तानियों का ऐसा मारा, ऐसा लिटा लिटा के मारा भाई कि पाकिस्तान को इन्होंने 3-0 से बेस कर दिया व्हाइट वॉश घर में। वो भी 17 साल बाद, कैन यू इमेजिन 17 साल बाद आए किसी एशियन टीम के घर में और उसको व्हाइट वॉश करके चलेगा भाई। इतनी गंदी तो श्रीलंका और बांग्लादेश भी नहीं है जितनी गंदी परफॉर्मेंस दी थी। इसके बाद फिर बेसबॉल अप्रोच लेके भाई पहुंच गए न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड को पहला मैच तो हरा दिया, लेकिन दूसरे में विलियमसन ने बता दिया कि भाई ये टीम पाकिस्तान नहीं है कि तुम आके यहाँ 3-0 बजा जाओगे, हम भी कुछ है। और न्यूजीलैंड ने 1-1 से सीरीज बराबर कर ली है। अब आने वाले मैचेस में न्यूजीलैंड का जो मोरल है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो होपफुली वो अब सीरीज को शायद अपने वे में ही ले, क्योंकि अब 1-1 की बराबरी हो चुकी है और न्यूजीलैंड के लिए होम कंडीशन है और उनके बल्लेबाज वगैरह भी फॉर्म में आ चुके हैं,
तो न्यूजीलैंड के पास अपर हैंड है यार, लेकिन पाकिस्तान अपने घर में भी इतनी फिसड्डी टीम हो रही है कि यार आज हर पाकिस्तानी रो रहा है कि यार बताओ इंग्लैंड को फिर न्यूजीलैंड ने भी धो दिया, लेकिन यार इंग्लैंड ने वाइट वॉश किसको किया, सिर्फ हमें बेसबॉल खेल के। तो भाई सही बात है यार, रोना भी चाहिए अख्तर वगैरह, अफरीदी वगैरह को। यार जुड़े रहे क्रिकेट तक पे ऐसे वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद।